मोदी जी, भारत में जो आपके विरोधी वो कहते हैं सिर्फ पाकिस्तान को डरा के नहीं रखा, आपने सबको डरा के रखा है। आपने रॉबर्ट वाड्रा को भी डरा के रखा है, चिदम्बरम को डरा के रखा है, आपने सोनिया गांधी को भी डरा के रखा है। आपको शायद याद होगा, शायद 2014 में आपकी अदालत में ऐसा ही एक सवाल आपने मुझे पूछा। हाँ, मैंने पूछा था। तब मैंने कहा था बिल्कुल डरना चाहिए। ये प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं कह रहा हूं। और तब मैंने कहा था देश में जब पापियों का डर खत्म हो जाता है, भ्रष्टाचारियों का डर खत्म हो जाता है, गलत करने वालों का डर खत्म हो जाता है, तो वो देश खत्म हो जाता है। देश के लिए आवश्यक होता है जो आतंकवादी है, विघटनकारी है, उनको मेरी सेना का डर होना चाहिए, मेरे सुरक्षा बलों का डर होना चाहिए। जो भ्रष्ट आचरण करते हैं, बेईमानी करते हैं, उनको कानून का डर होना चाहिए। जो नीति विरुद्ध काम करते हैं, उनको नेक और नियत का डर होना चाहिए। और इसलिए ये डर अच्छा है। और ये डर अच्छे के लिए है, और ये डर अच्छों के लिए है। लेकिन ये जो आप कहते हैं कि ये विरोधी दल इकट्ठे हो गए, महामिलावट है, तो ये महामिलावट आपके डर से तो ही, आपके डर से अखिलेश यादव और मायावती साथ आ गए। आप देखिए, ये सारे लोगों का जरा बराबर एक बार आप एक्सरे निकाल दीजिए। ये वंशवादी लोग हैं, ये सब ऐसे हैं, कोई बेल पर है, कोई कोर्ट के चक्कर काट रहा है, किसी पर कानून की तलवार, और मेरे कारण नहीं, मेरे पहले वाली सरकारों से है, कोई जेल में पड़े हैं, ये सारे लोग हैं। अब उनको ये लगता है कि भाई बचने का रास्ता मिल नहीं रहा है, एक ऐसा आदमी इसको खरीदा नहीं जा सकता, इस आदमी को दमाया नहीं जा सकता, और ये तो सीधी लाइन में चलता है, अगर कानून में आपके आप सही होगा तो आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता, और आप गलत है तो कोई बचा नहीं सकता। ये उसूल पर चलने वाला इंसान है, जब तक इसको हटाएंगे नहीं, हमारा ये सारी मुसीबतों से मुक्ति नहीं होगी। वो देश के लिए उनको कोई परवाह नहीं है, उनकी अपनी मुसीबतों से बचने के लिए ये महामिलावटियों का, अब उनको पता है डूब रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक योगी जी ने सब साफ कर दिया उनका, तो उनको लगा यार ये तो मोदी आ रहा है, वो तो योगी था, ये तो मोदी है, हाथ पकड़ो यार वरना मर जाएंगे। तो ये बचने के लिए, जैसे तीन का ये हाथ पकड़ने के लिए बचने की कोशिश हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर क्या है, थोड़ा सा भी उनको आभास हो जाए हाँ आप बच गए तो तुरंत टांग पकड़ करके खींचते हैं, हाथ छोड़ देते हैं टांग पकड़ते हैं। अब कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की एडवांस एंट्री हो गई आपके डर की वजह से, मोदी वापस आ जाएगा। डर अच्छा है, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो कहते हैं कि मैं मोदी से नहीं डरता, वो एक डायलॉग है ना, राहुल, नाम तो सुना होगा आपने, वो कहते हैं कि मोदी जी मेरे सामने ठहर नहीं सकते। मैंने एक बार सुना था कि धरती कंप आ जाएगी, तो मैं उस दिन पूरा दिन पार्लियामेंट में बैठा। मैंने कहा हो सकता है घंटे के बाद आए, दो घंटे के बाद आए, बड़ा इंतजार किया जी, नहीं आए।